यहाँ जो प्रॉब्लम जो हो रही है वही अस्पताल, वही आप देखिएगा नीति आयोग के रिपोर्ट में भी अगर आप लोग देखेंगे तो बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है। डॉक्टर्स के पास जो है अभी फाइल 6,000 डॉक्टर, सॉरी 4,000 डॉक्टर का फाइल पड़ा हुआ है, आपका 6,000 नर्स का फाइल पड़ा हुआ, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। मिनिस्टर से सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से मिनिस्टर फाइल घूमते रह रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। और अभी पैमाना क्या है कि 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, बिहार के शहरी इलाकों का 3,700 पे एक डॉक्टर है और रूरल एरियाज का और भी बुरा हाल है, 17,500 पर एक डॉक्टर। तो आप समझ जाइए कि स्थिति क्या है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर एक तरीके से जो है नॉट ओनली ऑल ओवर जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, वेदर इट इज इन एजुकेशन, वेदर इट इज हेल्थ, चाहे रोजगार एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए। आप बताइए कि बिहार में एग्रो बेस्ड जो है हम लोग क्यों नहीं करते, इंडस्ट्री लाते क्यों नहीं बिहार में। आप देखिएगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है आप खोल सकते हो, मखाना है, केला है, लीची है, आम है, गन्ना है, मक्का है, बल्कि आप लोग अमेरिका में बैठे होंगे वहां फॉक्स नट्स जो है मखाना को कहते हैं, फॉक्स नट्स की इतनी बड़ी डिमांड हो गई है। व्हाई डोंट वी, जो मेरा क्षेत्र राघोपुर आता है, पूरा हाजीपुर का इलाका देखिएगा, पूरा केला जो है, केला का बगान है पूरा। व्हाई डोंट वी ओपन आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, छोटे छोटे क्लस्टर्स में इंडस्ट्री क्यों नहीं लाते, इन्वाइट क्यों नहीं करते, वैसा माहौल क्यों नहीं बनाते। और दुख की बात है कि जो बजट में आप देखेंगे, बजट इज ऑल अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, बिहार में रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? जो लोग टैक्स दे पाते हैं बस वही रेवेन्यू, और कोई सोर्सेस तो है नहीं रेवेन्यू का, और एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब प्रत्येक बिहारी पे अगर हम आंकड़ा दें तो 90 के जमाने में पटना का गांधी मैदान, पटना का रेलवे स्टेशन गिरवी था बिफोर लालू जी। जब लालू जी जब बड़े और 2005 में जब उन्होंने हैंड ओवर किया, इट वॉज इन सरप्लस, 3,500 सरप्लस में नीतीश जी को दिया, 3,500 करोड़ सरप्लस में दिया। और आज ये स्थिति बनी हुई है कि लगभग एक बिहारी पे 30,000 कर्ज है, एक बिहारी पे 30,000 कर्ज है। अब बात कीजिएगा तो ये लोग कहते हैं डबल इंजन की गवर्नमेंट है, सेंट्रल क्या मदद कर रही है पता नहीं। हम लोगों ने सुना भी था 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, लो 1,25,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। ठीक है, बिहार की अपनी प्रॉब्लम है, सुखार है, तरफ बार है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, स्पेशल पैकेज की बात की गई, स्पेशल स्टेटस की बात की गई, लेकिन वेयर बिहार, अगर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा वर्ल्ड बैंक दे रही है, जायका दे रही है, ब्रिक्स से आ रहा है, यानी हम उधार पे उधार लिए जा रहे हैं और कर्ज बिहार के लोगों का और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है बिहार में। आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री और कारखाने, मैं तीन कारखाना बोल सकता हूँ, चौथा अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो आप बता दीजिए। रेलवे का पहिया कारखाना परसा, रेलवे कारखाना मधेपुरा, तीसरा जो है आपका मढ़ौड़ा का कारखाना। तीन कारखाने छोड़ करके अब कोई भी चौथा कारखाना बिहार में नहीं है। ये तीन चार कारखाने को किसने दिया? जब लालू जी रेल मंत्री बने। और आपको एक बात बता दे, सॉल्यूशन है कि यहाँ इंप्रेशन ऐसे बना दिया जाता है, परसेप्शन किसी का भी बिगाड़ दिया जाए। अब कुछ लोग पहले भी डिबेट करते रहे हो, हमने देखा कि भाई आप लोग नीतू चंद्रा जी से भी बात कर रहे थे, नीतू चंद्रा क्या कह रही थी? यही कह रही थी ना कि बिहार की भोजपुरिया इंडस्ट्री जो है, गाने या फिल्म जो बनाते हैं, पोस्टर ऐसा ही लोग लगा देता है कि वो बिहार का इंप्रेशन बन जाता है, लेकिन वाकई में बिहार के लोग ऐसे नहीं है, बिहार की सच्चाई कुछ और है। ये तो आप ही लोगों के डिस्कशन में ये बात आई थी। तो जो इम्प्रेशन जो कुछ लोगों ने बिगाड़ा, बिहार में जंगल राज है, ये है वो है, तो एक मार्केटिंग किया गया परसेप्शन लोगों का बदलने के लिए।
जिसमें वो सक्सेसफुल हुए। परसेप्शन जिन लोगों ने बिगाड़ा, नुकसान किसको हुआ? हमको तो नहीं हुआ, हुआ किसको? स्टेट को हुआ, बिहार के लोगों का हुआ, जो नेगेटिव परसेप्शन बिहार का बनाया गया। तो लोगों को सोचना चाहिए इस तरह का काम करने से। तो हम लोग तो पूरी तरीके से, हम युवा हैं, नए सोच के हैं, और हम चाहते हैं जात पात धर्म से ऊपर हट करके सबको साथ लेकर के सबके आइडियाज पे बात करें, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। आप देखिएगा बिहार का हिस्ट्री कितना बढ़िया है, हिस्टोरिकल है, आप टूरिज्म में कुछ नहीं कर पाते। अब रोजगार कैसे मिलेगा? इंडस्ट्री आएगा तो रोजगार मिलेगा, आईटी सेक्टर आएगा तो रोजगार मिलेगा। बाहर के लोग जो जा रहे हैं पढ़ाई करने, दूसरे कॉलेज, बाहर की यूनिवर्सिटीज, पैसा बिहार का बिहार में रहेगा। अगर बिहार में अच्छे कॉलेज बने तो, अच्छे यूनिवर्सिटीज बने तो, अच्छे अस्पताल बनेंगे तो बिहार का पैसा जो अरबों खरबों रुपया जो बाहर जा रहा है यहाँ रहेगा, वो पैसा जो है अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। टूरिज्म में आप देखिएगा सिख भी हैं, बुद्ध भी हैं, माता सीता भी हैं, सूफी संतों का ये हमारा प्रदेश रहा है, लोकतंत्र की जननी है, डेमोक्रेसी है, सारी चीजें हैं बिहार में। लेकिन टूरिज्म के लिए आपने क्या किया? एक बिहार फाउंडेशन है, बिहार फाउंडेशन इज फॉर दी एनआरआई बिहारी। व्हाट डज इट डू? ब्रांडिंग बिजनेस एंड बॉन्डिंग विद द बिहारी। अब आप लोग अमेरिका बैठे हैं, बताओ बिहार फाउंडेशन काम कर रहा कि नहीं कर रहा, किसी को पहुंचा है कि नहीं पहुंच पाया है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ब्रांडिंग बिजनेस बॉन्डिंग कहां हो रहा है? कुछ भी छोड़ दिया गया है पूरी तरीके से। तो हम तो चाहते हैं कि भाई बाहर के लोग हमारे स्टेट में आए ना आए, दैट इज सेकेंडरी। कम से कम अपने स्टेट वाले लोग जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बाहर ना जाए, रोजगार पाने बाहर ना जाए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री लाओ, कारखाने लाओ। और दिस ठीक है, बिहार इज अ लैंडलॉक स्टेट, वी हैव अ सेवरल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बट इफ यू हैव अ विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर, सो यू कैन क्लियर आउट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड यू कैन गो अहेड एंड वर्क फॉर द बिहार। मतलब ऐसा नहीं है। अब टूरिज्म के क्षेत्र में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। कितना हम प्रमोट कर पाते हैं अपने आप को? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज्म का? स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, तो एज अ बिहारी आई वांट आल्सो कि भाई बिहार का लड़का जाए गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक्स में जीत के आए, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? लेकिन आपका स्पोर्ट्स की पॉलिसी क्या है बिहार की? हरियाणा पंजाब की पॉलिसी इतनी बढ़िया है, लेकिन बिहार की क्या पॉलिसी है? कुछ नहीं है। बिहार में कितना एक्सपोजर मिलता है स्पोर्ट्स में हो या आर्ट या कल्चर वाले हो? तो उस हिसाब से बिहार में वी हैव सेवरल प्रॉब्लम्स, लेकिन बिहार में इच्छा शक्ति की कमी है। और सही से चीजें सब कुछ चलता रहे, हाँ करप्शन इज द बिगेस्ट इश्यू इन बिहार, नॉट इन बिहार बट ऑल ओवर द कंट्री, बट व्हाट आई एम वेरी हैप्पी टू बी।